शेयरिंग। सबसे पहले तो आप सभी यहाँ पहुंचने पर मीडिया बंधु का मैं दिल की गहरा स्वागत करता हूँ। देखिए मेरे बराबर को जो बैठे हैं अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मैं एक दिन मध्य प्रदेश में था, मुझे का मेरे पास फोन आया कि तुगलकाबाद दिल्ली में एक ऐतिहासिक धर्मस्थल है जिसको सरकार तोड़ने काम कर रही, जिसपे कुछ लोगों की निगाह है, वो उसको हमसे छीनना चाहती। जिस दिन ये आदेश मुझे आया तब उसके बाद जो है मैं वहां पहुंचा और लंबे समय तक ये संघर्ष चलता रहा। 9 तारीख की रात को फिर लेट नाइट गुरु जी का आदेश आया कि मंदिर को कल सुबह ध्वस्त किया जाएगा, ऐसे आदेश आ गया, आपको जाना चाहिए। तो मैं यूपी से बहुत प्रयास करके निकला और सुबह जिस समय मैं 8:30 बजे वहां पहुंचा तो 9:45 बजे जिस समय पहुंचा तो मंदिर तोड़ देगा। बाहर का एक बोर्ड बचा हुआ था जिसपे संघर्ष जारी था। हमारे लिए वो बहुत कठिन पल था, लेकिन ऐसे समय में ही समाज को नई दिशा देना, एकजुट करना और इस आंदोलन के लोगों को प्रेरित करना ये जिम्मेदारी थी। तो जैसे संत महापुरुषों का आदेश था कि 21 तारीख को हम लोग दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, तो उसके बाद उस पर लगातार काम चलता रहा। आज वो आयाम की तरफ जा रहा, पूरे देश की संगतियां आ रही है और ये समाज का आंदोलन है, इसलिए क्योंकि पूरे समाज में आक्रोश है। तो कल हम यहां दिखाएंगे दिल्ली में शांतिपूर्वक तरीके से कि हम अपने अधिकारों के प्रति कितने सचेत। कल का दिन ऐतिहासिक दिन होगा, कल जैसे ही आंदोलन कभी नहीं हुआ होगा और ये पूरे दलित समाज के लिए, पूरे बहुजन समाज के लिए गर्व की बात होगी कि इतने बड़े पैमाने पर लोग यहां पहुंचेंगे और शांतिपूर्वक अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। कल के बाद भी आंदोलन खत्म नहीं होगा, जब तक हमारी मांग पूरी होगी ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। जैसा भी मंच पर उपस्थित गुरुओं का आदेश आएगा वैसा पालन किया जाएगा, जो आदेश उनका होगा उस पर हम लोग जीवन खराब करने का प्रयास करेंगे। बाकी सबसे शांति की अपील की गई है। एक दूसरी बात जो बहुत जरूरी है, आरएसएस के प्रमुख जो हैं उनका एक बयान आया है आरक्षण को लेकर, वो आरक्षण पर बहस चाहते हैं उन लोगों के बीच में जो आरक्षण के समर्थक और जो आरक्षण के विरोधी। तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो आए और खुले मंच पर बहस करें मीडिया के सामने। हम बताना चाहते हैं क्या हमें देश में आजादी के बाद मिला है, इतनी आबादी होने के बाद क्या उन लोगों को मिला जिनकी बहुत थोड़ी सी आबादी है, क्या जाति की वजह से, जिस जाति की वजह से आरक्षण है उस जाति की वजह से हमें क्या मिला है और लोगों को क्या मिला है, इसका जवाब हम उन्हें देना चाहते हैं। वो आंकड़े लेके आए, हम उन्हें बताएंगे कि इस जाति की वजह से हमने क्या खोया। आज भी देश में 54% दलित ऐसे जिनपे एक जमीन नहीं है। आरक्षण की समीक्षा करेंगे और आरक्षण के साथ जो धार्मिक ग्रंथ आपने जो लंबे समय तक हमारे ऊपर थोप के रखे उनकी भी समीक्षा करेंगे कि उनमें क्या सही और क्या गलत। लेकिन आरक्षण की बात करके इस संघ की जो दलित विरोधी जो मानसिकता वो उजागर होती है। दूसरा, वो जिस सरकार के दम पे ये सब चीजें कर रहे हैं वो सरकार में सुन ले कि वो सरकार में बहुमत में, हम लोग सड़क पे बहुमत में है। सरकार अगर हमारे किसी भी अधिकार को छीनने का प्रयास करेगी तो हम सड़क पे एक से ईंट बजा देंगे, जवाब देंगे। बहुजन समाज कमजोर नहीं रहा है, उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। हम तैयार हैं उनके किसी भी प्रहार का सामना करने के लिए, लेकिन इस बार समाज तैयार है कि इस बार हम उनके कुछ करने के बाद नहीं बोलेंगे, इस बार हम उनके करने से पहले रोड पर आके बताएंगे कि अगर आज ये जमीन की लड़ाई नहीं है, हमारी धरोहर की लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई, हमारे वजूद की लड़ाई है। वो हमारा इतिहास मिटा देना चाहते हैं और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आइए खुला चैलेंज है आप लोगों, जिस जाति के नाम पे आज तक आप मंदिरों का आरक्षण खा रहे हैं, जिस जाति के नाम पे आज आप अपना रिप्रेजेंटेशन चेक करवाइए और हमारा रिप्रेजेंटेशन चेक करिए, हम देंगे आंकड़े आपको, चाहे जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मीडिया हो, कहां हम कितने हम जानते हैं। आप बहस कीजिए, हम बहस के लिए तैयार हैं। मेरा पूरे संघ परिवार को चैलेंज है कि आए वो बहस करें और पूरी दुनिया को पता रखना चाहिए कि भारत में एक जाति विशेष के लोगों ने कब्जा कर रखा है और यहां कमजोर लोग आज भी जो है सिर्फ और सिर्फ पेट की लड़ाई लड़ रहा है, भूख की लड़ाई लड़ रहा है। तो मैं भी इंतजार करूंगा कि संघ प्रमुख जो है, मेन आर्मी प्रमुख के इस मैसेज का जवाब देते। जय हिंद, शुक्रिया।